catch all the electrifying DSL 9 action live on eSports. Don't miss out. Tera vaada agar wafa hoga. Sam, will you marry me? ये तुम क्या कह रहे हो शहीद? मैं तुमसे शादी करके अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे लगा कि तुम्हारी शादी किसी वेल ऑफ फैमिली में होगी। तुम्हारे लगने का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आइंदा मुझे यूं बेमकसद रोककर फजूल का डिस्कशन मत करना। मैं शादीशुदा हूँ और मैंने ही शादी के ऑफिस स्टाफ मेरे लिए उल्टी सीधी बातें करी। तुम अभी तक दिल में वही बातें लिए बैठे हो? बातें नहीं थी वो। मेरी जिंदगी थी, मेरी खुशी थी वो। तेरा वादा अगर वफा होगा। आपने मुझे मेरी ही लव स्टोरी का विलन बना दिया है। पहले तो मैं आपके वास्तव के आगे चुपचाप चला गया, सोचा था कि सारा खुश रहेगी, लेकिन वो खुश नहीं है, खुश नहीं है सारा। कम से कम वैसे जिंदगी नहीं गुजार रही जैसा मैंने सोचा था। तो फिर क्यों उसे सच छुपाया जाए? क्यों ना उसे आपकी हकीकत बता दी जाए? नहीं नहीं नहीं, तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। कोई एक वजह दे मुझे कि मैं ऐसा क्यों ना करूं। कोई एक वजह दे मुझे। सर, वो टूट जाएगी अगर उसे पता चलेगा कि तुम दोनों के बीच दूरियों की वजह मैं बनी थी, तो वो बिखर जाएगी बेटा। इसलिए खुदा के वास्ते तुम उससे कुछ मत कह। रही बात सारा की शादी की, तो मैंने बहुत सोच समझकर देखभाल कर खाते पीते घराने में उसकी शादी की थी। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के नसीब में भी वही मुशक्कतें वही हसरतें लिख दी जाएंगी जो मुझे काटनी पड़ी थी। अली, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सारा को लेकर अपने घर से अलग हो जाएगा। इसलिए बेटा, खुदा के लिए तुम सारा से कुछ मत कहना, मत कहना। पहले भी मैं आपके बातों में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर चुका हूं, लेकिन अब नहीं। अब सारा को बताना है या जिंदगी भर चुप रहना, इसका फैसला मैं खुद करूंगा, आप नहीं। ये बाहर इतनी बड़ी गाड़ी किसकी? ये कहां से आटपका? इसके आने से ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र लगी कि अगर इसने सब कुछ सारा को बता दिया तो क्या होगा। थैंक यू। अली, क्या सरप्राइज है, बता भी दे। मुझे जॉब मिल गई है। नहीं? हाँ। कांग्रेचुलेशंस।
थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ की वजह से हुआ। नहीं, हम सफर तो साथ देने के लिए साथ चलते हैं ना। कोई नहीं चल, कुछ हम सफर ऐसे होते हैं जो मुश्किल वक्त में अपने रास्ते ही बदल देते। लेकिन तुमने ना सिर्फ मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया बल्कि अपने यकीन से मेरी उम्मीदों को कभी खत्म नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सारा, तुमने मुझे बताया नहीं कि रेहान वापस आ गया। अली एक मिनट, आपको किसने बताया रेहान की वापसी का? अरे वो थोड़ी देर पहले घर आया था। उसके पास एड्रेस कैसे आया? भाई अब कैसे क्यों के सवाल, ना मैंने पूछे ना उसने बताए। तुम बस मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें कहाँ मिला। सारा मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो तुम्हारे साथ जॉब करता है वो? नहीं अम्मी, वो बॉस है मेरा। क्या, रेहान तुम्हारा बॉस है? हाँ, पार्टनरशिप पे बिजनेस रन कर रहे हैं हम। मैंने दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, जैसी जॉब मिलती है यहाँ से रिजाइन कर दूंगी मैं। अरे नहीं नहीं बेटा, रिजाइन करने की क्या जरूरत है? ये अच्छी बात नहीं है कि अपने घर का बच्चा ही तुम्हारा बॉस है। अली भाई को पता है यहाँ के बारे? सारा वो तुमने अली को रेहान के बारे में बताया? रेहान मेरे लिए इतना अहम नहीं है कि मैं उसे अली से डिस्कस करूँ। चलिए अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या तुम इतनी परेशान परेशान से क्यों लग रही हो? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? आपने इतनी अच्छी न्यूज़ दी है, मैं परेशान कैसे हो सकती हूँ? सब ठीक है ना? हाँ। खाना इतनी देर से ऑर्डर किया। एक्सक्यूज मी। अच्छी गाड़ी, अच्छा सा बिजनेस, रेहान को देख के लगता है इसके तो दिन ही फिर गए अम्मी। और दूसरी तरफ अली भाई जो अर्श से फर्श पे आ गए, और ये रेहान जिसको देख के लगता है इसके हाथ कोई खजाना लग गया। क्या किस्मत है, अपना भी टाइम आएगा, बस कोई जैकपॉट लग जाए। मैम मेरी शादी तय हो गई है। बहुत बहुत मुबारक। लव मैरिज है? लव और अरेंज दोनों ही। मैम आपको पता है इसका तो शोर शादीशुदा है। तो क्या हुआ, वो प्यार तो मुझसे ही करते हैं। तुम अपना घर बसाने के लिए किसी दूसरी औरत का घर खराब कर रही हो। नहीं नहीं मैम, पहले वाले को मैं छोड़ने का थोड़ी कह रही हूँ। वो अपने खानदान के साथ अलग रहती है, मैं वसीम के साथ अलग रहूंगी। तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है? गिल्ट क्यों होगा, मैं शादी कर रही हूँ, कोई गुनाह थोड़ी कर रही हूँ। और वसीम वैसे भी कहते हैं प्यार हो तो सोचना नहीं चाहिए, मैं बस खुश रहती हूँ। आप लेंगी मिठाई? तुम रख दो, मैं बाद में ले लूँ। चल। सैम, घर तभी आबाद होता है जब तुम भी आबाद। और मेरा दिल तो तुम्हारे जाने के बाद ही वीरान हो गया था, और इस वीरान दिल में कभी उसके लिए कोई प्यार की फीलिंग्स मैंने महसूस ही नहीं की। Thank you.
क्या हो गया है अम्मी? खैरियत है? क्यों इतनी अफरा तफरी में बुलाया है? रेहान वापस आ गया हैं? हाँ, उसके तो हालात रंग ढंग सभी बदल चुके। क्यों भाई, कोई लॉटरी निकल आई है क्या उस गरीब की? गुर्बत को तो झाड़ फेंका जैसे उसने, परदेश से अमीर होकर लौटा है और अब वो सारा का बॉस भी है। वाह भाई, क्या किस्मत पाई है रेहान। उसके वापस आने से आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो सारा को कुछ बता ना दे। क्या ना बता दे? कुछ नहीं छोड़ो। अरे अम्मी, बात सुने मेरी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? पहले भी आप बात करते करते रुक गई थी। परेशान नहीं, आप मुझे बताएं क्या बात है? अपनी औलाद की भलाई को लेकर कुछ सख्त फैसले किए थे, वही गले पड़ गए। कहीं सारा की मंगनी रुकवाने में आपका हाथ तो नहीं था? ऐसे हैरत से क्या देख रही हो भाई? देखो, सारा को अपने बुरे भले की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं ठहरी उसकी मां, अपनी औलाद को यूं अंधे कुएं में तो नहीं धकेल सकती थी ना। इसलिए मैंने रेहान से कह दिया कि वो पीछे हट जाए, ताकि सारा अपनी अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ सके। और आगे बढ़ा के क्या बदल गया? सारा तो अली भाई के साथ अब भी स्ट्रगलिंग लाइफ ही गुजार रही है जो वो रेहान के साथ गुजारती। अगर मुझे पता होता कि रेहान के दिन यूं फिरने वाले, तो मैं कभी भी सारा की खुशियां ना छीनती। अब तो जो होना था अम्मी वो हो गया। अब ये सोचें कि आगे क्या करना है। रेहान ने अगर सारा को बता दिया तो क्या होगा? मुझे तो आपने भलाई का कहके मुतमईन कर दिया, पर क्या सारा को ये सब कह के मुतमईन कर पाएंगे आप? ये सारी वजाहतें देके आपको लगता है वो आपको माफ करेगी? इसी बात की तो परेशानी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। करना क्या है? रेहान जज्बाती है। जिस तरह पहले इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवाई हैं, इस बार भी वही करें। वास्ते दें खाला के। अम्मी के घर क्यों गए थे तुम? बैठो, उसा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तुम समझते क्या हो खुद को? जब तुम्हारा दिल करेगा तो मेरी अम्मी की इज्जत का तमाशा बनाकर सब छोड़ छाड़ कर चले जाओगे, और जब तुम्हारा मूड होगा तो तुम वापस लौट आओगे और उन्हीं टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करोगे। मैं कभी भी तुमसे ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहता था, तुमने ही मेरा साथ नहीं दिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तुम ही नहीं चली मेरे साथ। मुझे उस वक्त जो फैसला बेहतर लगा वो मैंने किया, लेकिन तुम पुरानी बातें दोहराने की बजाय मेरी फैमिली से दूर रहो तो बेहतर है। तुम्हारी फैमिली? तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी माँ मेरी सगी खाला है, और ये खून के रिश्ते होते हैं जो चाहते हुए भी तोड़े नहीं जा सकते।
रही बात खाला से मिलने की, तो मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कौन सी जरूरी बात? वो जाकर तुम खाला से पूछो। अरे सारा, कैसी हो बेटा? रेहान यहाँ पे कौन सी अहम बात करने आया था? रेहान भाई आ गए? कब आए वो? अम्मी आपने मुझे बताया भी नहीं। तुम चुप करो, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब लेने दो, फिर पूछती रहना अम्मी से। बताए अम्मी, ऐसी कौन सी अहम बात रह गई थी जो वो करने आया था? उसने कुछ कहा है तुमसे? अगर वो मुझसे कुछ कहता तो मैं आपसे पूछने आती क्या? अम्मी, वो माफी मांगने आया था। और आपने उसे माफ कर दिया? साहिर है बेटा, वो मेरा इकलौता भांजा है और बाजी के बाद उनकी आखिरी निशानी है वो। मैं ऐसे ही तो नहीं उससे मुंह मोड़ सकती थी ना। और वो जो हमसे मुंह मोड़ कर गया, उसका क्या? मेरे दुख की बात ना भी करें अम्मी, तो जो खाला ने उसकी वजह से अजियत सही, उसका क्या? उसके जाने का सदमा उनकी जान ले गया, वो सब भुला दिया आपने? बेटा, बुरा वक्त गुजर गया, तो क्यों हम गुजरी बातों को याद करके अपने दिल में बुराइयां पालें? तुम भी अपना दिल बड़ा करो और माफ कर दो रेहान को। नहीं अम्मी, मैं अपने साथ हुई ज्यादती को तो शायद माफ कर दूं, लेकिन जो मेरी मां जैसे खाला की मौत की वजह, मैं कभी माफ नहीं कर सकती। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है मेरा दिल इतना बड़ा से नहीं होगा। हाय, सो सॉरी आई एम लेट। ये लो, मुंह मीठा करो। किस खुशी में मुंह मीठा करवा रहे हो? कहीं आंटी ने तुम्हारी शादी तो सह नहीं कर दी? कुछ ऐसा ही समझो। तुमने मुझे यहाँ ये बताने के लिए बुलाया? आयजा, जाहरी बात है, खुशियों में सबसे पहला हक तो दोस्तों का होता है ना। बिल्कुल सही बात है। बात सुनो, क्या हो गया? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी शादी पर आऊं और तुम्हारी बीवी को विश करूं कंग्रेचुलेशंस? हाँ, मैं मतलब तुम मेरी शादी पे नहीं आओगी? नहीं। तो फिर ये शादी कैसे होगी यार? अगर दुल्हन ही नहीं आएगी तो? अम्मी मान गई। कैसे? वो तो इतना गुस्सा थी, वो कैसे मान गई? ये जाहिर बात है, उनका इकलौता बेटा हूँ, मेरी खुशी के लिए तो मानेंगी ना। और अब तुम मेरी एक बात मान, तैयारी रखना, मैं ये मंगनी वगनी में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, डायरेक्ट शादी करूंगा तुमसे। हैप्पी? चलो अब तो मुंह मीठा कर लो। बस्ता घर क्या ऐसे वीरान कर जाते हैं बेटे?
बीवी के सामने अपनों को भूलना क्या इतना आसान होता है बेटा? आसान तो नहीं होता माँ, लेकिन अली सारा के प्यार में इस हद तक बढ़ सकता है कि अपनों को अक्सर भुला देगा। इसका अंदाजा नहीं था मुझे। हमारे अंदाजों की गलती की वजह से अली हमसे दूर हुआ है। आप कहें तो मैं बात करूं अली से। मैं करूं या तुम, वो इसे ना हमारी मजबूरी समझेगा, समझेगा कि औलाद के प्यार के सामने हमने अपनी अना को कुचल दिया है, इसलिए हम उसे मना रहे। लेकिन माँ, उसे वापस लाने के लिए किसी को तो बात करना होगी ना। हाँ, बात करने के या मनाने के और भी कई तरीके हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं समझा नहीं माँ। क्यों ना रिश्ते को आजमाया जाए, देखे तो सही कि अली के दिल में माँ के लिए प्यार है या फिर उसने अपना दिल अपनी बीवी के हवाले कर दिया। अच्छा, फिर से आते ही काम में लग गए थे मुझे। सारा मत करो। सारा क्या? सारा ये क्या हरकत है? क्या कर रही हो तुम? I'm sorry अली। फिर जाके एक दफा मिलने ना अम्मी। प्लीज प्लीज। भाई आप किससे मिलने जा रहे हैं? तुम्हारी भाभी से। भाभी अभी बनी नहीं है और रिश्ते तब तक नहीं बनते जब तक बात पक्की ना हो। तेरा वादा अगर वफा। अच्छा, फिर से आते ही काम में लग गए थे मुझे। सारा मत करो। सारा क्या? सारा ये क्या हरकत है? क्या कर रही हो तुम? I'm sorry अली। क्या मतलब है सॉरी? सॉरी सारे मसाइल का हल नहीं होता सारा। और हो क्या गया है तुम्हें? देख रही हो ये क्या किया तुमने, क्या हालत की है इसकी? उसने इतनी जिम्मेदारी के साथ मुझे ये फाइल दी थी। अब कल जाकर उनकी टेबल पर ये प्रेजेंट करूंगा यूं तो क्या सोचेंगे वो कि कितना गैर जिम्मेदार हूं मैं, इस लायक ही नहीं हूं कि मुझ पर किसी किस्म का बोझ डाला जाए। और तुम कह रही हो सॉरी? कहां है तुम्हारा ध्यान आजकल? क्या कर रही हो ये? कुछ नहीं, ऑफिस की कुछ टेंशन है दिमाग में। आपसे बात करती हूँ तो माइंड रिलैक्स हो जाता है, लेकिन आप आते ही ये लैपटॉप फाइल लेके बैठ जाते हैं। हाँ सारा, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आते ही लैपटॉप लेकर काम में मगन हो जाऊं। आजकल के दौर में तरक्की करने के लिए इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, और भूल गई वो वक्त, वो सारी बातें जो सुनकर हम उस घर से निकले थे। साबित करना चाहता हूं मैं भाई को कि उनके बगैर भी अपने बलबूते पर अपना बिजनेस में नाम बना सकता हूं मैं। क्या हालत कर दी तुमने इसकी? अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, अभी हम हॉस्पिटल आए हुए। तो कौन सा हॉस्पिटल में आप मुझे बताइए, मैं आ रहा हूँ। हम बस निकल रहे हैं घर के लिए। तुम्हें बताया एसडीए के बाद में कहीं शिकायत ना करो कि बिल्कुल ही बेगाना कर दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूं भाई, मैं आ रहा हूं। क्या कह रहे हैं? आ रहे हैं। क्या हुआ? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम साथ नहीं चलो, उनका ब्लड प्रेशर पहले ही आए, तुम्हें देखकर कहीं उनकी तबीयत फिर से ऊपर नीचे ना हो जाए। मैं चेंज करके जा रहा हूँ बस। अल्लाह खैर।
बेटा अकेले कमरे में बैठी हुई हो, अरिशा के पास बैठ जाती जाकर, उसका भी दिल बहल जाता। क्या सोच रही होगी, तुम ढंग से बात भी नहीं करती हो, बस सलाम दुआ किया और आके कमरे में बैठ गई। मामा, मैं यहाँ सुकून से कुछ वक्त गुजारने आई हूँ, अरिशा से बातें करने नहीं। वैसे भी उसके साथ बैठो तो उसकी सारी बातें अपने बच्चे से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती। तो बेटा भला माँ के लिए औलाद से बढ़कर भी कुछ अहम होता है? आप ताना दे रही हैं मुझे औलाद ना होने का। अल्लाह ना करे बेटा, मैं क्यों ताना दूंगी? तुम इतना गलत क्यों सोचती हो? तो और क्या करूं, मेरी जिंदगी में कुछ सही जो नहीं हो रहा। नसीब पर शाकिर रहा करो ना। नहीं रहा जाता मुझसे शाकिर, और ना ही अपने साथ ज्यादतियों पर सब्र होता है। अल्लाह ताला सबके नसीब में खुशियाँ लिख देता है, सिर्फ एक मेरी किस्मत खराब है। खुदा का खौफ करो नगीन, क्यों कुफर बोल के अपने गुनाहों में इजाफा कर रही हो? खुदा से माफी मांगो, ऐसा ना हो किसी बात की पकड़ हो जाए, सारी जिंदगी तुम रोती रहो। मामा, आप तो बस मुझे बद्दुआ देती रहा करें। मैं बद्दुआ नहीं दे रही हूँ बेटा, तुम्हें समझा रही हूँ, मगर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तो अकल पे पत्थर ही पड़ गए, कुछ समझती ही नहीं हो। नहीं समझना मुझे कुछ, कि मुझे तो लगता है यहाँ मुझे रहने ही नहीं आना चाहिए था। कहाँ जा रही हो? अपने घर। कि यहाँ मुझे आप अपने से ज्यादा अरिशा की माँ लगने लगी। कैसी तबीयत है माँ की? बेहतर है, लेकिन कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। माम, डॉक्टर ने नींद के इंजेक्शंस दिए हैं, सो रही हैं अभी। लेकिन भाई, उन्हें ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई कैसे हो गया? मेडिसिंस नहीं ले रही थी क्या? मेडिसिंस बीपी को कंट्रोल जरूर करती हैं, लेकिन उन सोचों का क्या करें जो कि बीपी को बढ़ा देती हैं। खैर, तुम इन बातों को नहीं समझोगे, कोई फायदा नहीं है तुमसे बात करने का। एनीवे, अगर तुम्हें इतना ही एहसास होता तो आज मां की ये कंडीशन ना होती। क्या क्या मतलब कंडीशन? कैसी कंडीशन? क्या कहा डॉक्टर्स ने? कुछ भी कहो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना माँ की देखभाल के लिए, मैं संभाल लूंगा। मैं माँ को बता दूंगा तुम उन्हें देखने के लिए। भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डॉक्टर ने क्या कहा है? देखो अली, वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो तुम्हें बहुत मिस करती है, और इस बात का वो स्ट्रेस भी बहुत लेती है। डॉक्टर ने कहा है कि क्या कहा है डॉक्टर ने, प्लीज खुलकर बताइए। कि स्ट्रेस की वजह से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है का मतलब समझते हो ना? अगर खुदा ना ख्वास्ता माँ को कुछ भी हो जाता है तो डॉक्टर आपको माफ कर सकोगे? अब सोच लो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर तुम्हारी सेहत। सारा, अभी मुझे रेहान भाई का नंबर चाहिए था, मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हें क्या बात करनी है उससे? आप ही, रेहान भाई से कई रिश्ते थे हमारे, वो भले हमें छोड़कर चले गए हो लेकिन मैंने उन्हें हमेशा मिस किया है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, भाई हैं मेरे। उसने रिश्ते निभाए ही कम है। अच्छा, आप ही आप मुझे नंबर तो सेंड कर देना, मैं हेलो हाय कर लूंगी। फरा, कोई फायदा नहीं है उससे हेलो हाय करने का,
आप ही आप कब से रिश्तों में फायदे तलाश करने लगी? जब नुकसान अपनों से पहुंचता है ना, तो सोच ही नहीं इंसान भी बदल जाता है। खैर मैं तुम्हें नंबर सेंड कर देती हूँ उसका। थैंक यू आपी, अल्लाह हाफिज। सारा को फोन मिला रही हो? नहीं, रेहान भाई को कर रही थी, लेकिन उन्होंने रिसीव ही नहीं किया, शायद बिजी होंगी। तुम्हारे पास रेहान का नंबर कहाँ से आया? मैंने सारा आप ही से लिया है। फराज जल्दी से जाके प्लेटें लेकर आओ, चिकन टिक्का लाया हूँ, आपका फेवरेट है ना? अच्छी तरह जानती हूँ कि ये मेहरबानियां क्यों कर रहे हो तुम। फिर जाके एक दफा मिलने ना अम्मी, प्लीज प्लीज। भाई आप किससे मिलने जा रहे हैं? तुम्हारी भाभी से। भाभी अभी बनी नहीं है और रिश्ते तब तक नहीं बनते जब तक बात पक्की ना हो। तुम तो जाके प्लेट में निकालो ना इसे। ये गलत है अम्मी, अभी उस दिन आपने रजामंदी दी थी। रजामंदी मैंने सिर्फ मिलने के लिए जाहिर की थी, असल रजामंदी मैं तब दूंगी जब उससे मिल लूंगी, वो भी अगर वो मुझे पसंद आई तो। अपनी बात से फेर रही हैं। बेटा जी, अपने इकलौते बेटे की शादी करनी है तो उसकी बीवी लाने से पहले मैं सारी छानबीन तो करूंगी ना। वैसे उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो तुम ऐसा करो कि उसे यहीं बुला लो। प्यारी अम्मी, मैं देखता हूँ टिक्का कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, रुके। अरे रायता लाजमी एक्स्ट्रा देना अम्मी को, रुको। बड़ा ख्याल आ गया जिसे माँ का। अली चले। अली क्या हो गया, परेशान लग रहे हैं? परेशान होने से मसले हल नहीं होते अली, मसले हल करने से हल होते हैं। शायद तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक तरफ तुम, वहां का तुम्हारे साथ जो बुरा रवैया है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता उस पर, और दूसरी तरफ मेरी अपनी माँ है जिसके लिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उन्हें मेरी वजह से स्ट्रेस। अली ये जिंदगी कहने को तो अपनी होती है, लेकिन इस पर हक हमसे ज्यादा हमारे अपनों का होता है, इसलिए रिश्तों के लिए कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ समझौते जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते। देखो भाई और मां तुम्हें ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं उनसे अलहदा हूं। मैं नहीं चाहता कि कभी भी जब वापस जाएं तो उसके बाद उनका रवैया तुम्हारे साथ बुरा हो, क्योंकि मुझे तो वो इतना कसूरवार नहीं ठहराएंगे, लेकिन तुम्हें उनका बुरा रवैया बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप मेरे साथ खड़े होंगे तो हंसी खुशी सब बर्दाश्त करूंगी। जिस तरह आप मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी परवाह करते हैं, उस तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगी अली कि मेरी वजह से आप अपनी माँ से अलग हो। इतना तो मुझे भी पता है कि आप भी अपनों से दूर रहकर खुश नहीं रहेंगे। जब तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, इतनी परवाह है, तो मेरा भी तुमसे यह बात है, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना, हर अच्छे या बुरे वक्त में तुम मुझे हमेशा अपने साथ खड़े पाओगी। आपके वादे पर मुझे खुद से भी ज्यादा यकीन। और मैं तुम्हारे यकीन कभी टूटने नहीं दूंगा। चाय चल।
तुमने एम्प्लॉयज को प्रमोशन दे दी। हाँ, काफी हार्डवर्क कर रहे थे तो मुझे लगा कि उन्हें सेला मिलना चाहिए, तो इसलिए ना सिर्फ प्रमोट किया बल्कि उनकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी मैंने। लेकिन बाकी एम्प्लॉयज ने तो अच्छा खासा टाइम दिया इस कंपनी को, और सारा ने तो अभी ज्वाइन किया है, तुमने उसे भी प्रमोशन दे दी। कम ऑन यार, प्रमोशन कंपनी को ज्यादा वक्त देने पर नहीं बल्कि फायदा पहुंचाने पर दी जाती है, और तुम भी जानते हो सारा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय है, बहुत कम अरसे में उसने काफी इंटरनेशनल डील्स लॉक की है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें डिस्कस करना चाहिए था। कंपनी के फायदे के लिए डिसीजन तुम लो या मैं, एक ही बात है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमें एक ऑफिशियल डिनर भी देना चाहिए। डिनर की क्या जरूरत है? हर काम जरूरत के तहत नहीं किया जाता, कुछ काम बेवजह भी किए जाते हैं किसी को खुश करने के लिए। तुम एक काम करो, बाहर सबको इन्वाइट कर देना, और स्पेशली उन्हें जिनके भी प्रमोशन में। ठीक है, मैं कह देता हूँ। डिनर की अरेंजमेंट वो मैं मैनेज कर लूँगा, टेंशन नहीं है। ओके। चलो बस करो, आइंदा ना मुझे ये कमरा गंदा नजर ना आए, समझ गई? जाओ यहां से अब। इन लोगों से काम करवाने पड़ते हैं, लेकिन यहां तो अपनी जिम्मेदारियों का किसी को एहसास ही नहीं है। आई एम सॉरी अम्मी, पिछले दिनों कुछ ऐसी मसरूफियात रही हैं कि ध्यान नहीं रहा, वरना मैं तारा से बहुत अच्छी तरीके से अली के कमरे की सफाई करवाती हूँ। लगीन ऐसे घर नहीं चलते, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप सही कह रही हैं, आइंदा ख्याल रखूंगी। मैं चाहती हूँ कि ये कमरा बिल्कुल साफ सुथरा रहे, क्योंकि जब भी अली आए ना तो उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों, आपके अली से कोई बात हुई है? अली घर वापस आ रहा है, मैं क्यों बात करूंगी उससे? मैं उन माओं में से नहीं हूं जो अपनी औलाद की मिन्नतें करें या अपनी ममता के वास्ते दें। आप सही कह रही हैं अम्मी, लेकिन जिस तरह से अली ये घर छोड़ के गया था, अचानक वापस कैसे आ रहा है? वो सारा के लिए घर छोड़कर गया था नगीन, और अपनी माँ के लिए वापस आ रहा है। असल माँ का प्यार जो होता है ना, वो बाकी रिश्तों पर भारी पड़ जाता है, लेकिन ये बहुएं नहीं समझती। जब इनको शौहरों का प्यार मिल जाता है ना, तो आसमान पर उड़ने लगती हैं, लेकिन इन्हें इतना अंदाजा नहीं होता कि वक्त पलटते देर नहीं लगती है, ना आसमान रहता है सर पे और ना ही जमीन बचती है। सारा को भी गुमान है ना कि उसका शौहर सबसे लड़ सकता है उसके लिए, लेकिन वो भी देखेगी वक्त बदल दे और अली को पलट दे। जब उसके लिए लड़ने वाला अली उससे लड़ेगा ना, जब उसे एहसास होगा कि वो बिल्कुल अकेली रह गई है, उस दिन ना इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बाकी रहेगी, और तब उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। Excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.